ओम शांति। मैं पवन बत्रा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से 2005 में जुड़ा और 2005 में मेरे को ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में रोज गार्डन में किसी ने बताया। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर हमारे राज दीदी मुझे मिले और उन्होंने मुझे इस संस्था के बारे में, भगवान के बारे में मैंने जानने की इच्छा जताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ हमारे 16 विंग्स हैं, उसमें आप बिजनेस विंग में माउंट आबू में जा सकते हैं। तो फिर जब मैंने वहाँ पर 7 डेज़ का कोर्स किया तो 7 डेज़ कोर्स में मुझे खुद की पहचान मिली, परम की पहचान मिली। तो मेरे को एहसास हुआ कि ये तो जो मेरा जीवन था, अब इसमें कितना अंतराल है। तो मैंने जब जाना, पहचाना और फिर उसके बाद इसको माना, तो ये संस्था कि मानव से देवता बनाने वाली है। तो मन में विचार तो था, हर आदमी चाहता कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन बनने का रास्ता इस संस्था में राज दीदी के माध्यम से मिला। तो राज दीदी की पालना से बहुत साल पालना ली हमने और उसके बाद हमारे राज दीदी के अव्यक्त होने के बाद तो हमारे फिर सरस दीदी, जो कि राज दीदी के कदम पर कदम रखकर चलने वाले और पूरी मर्यादा में रहने वाले और श्रीमत और बाबा की दी हुई जो शुद्धि की मत है उस पर पूरी तरह से समर्पण है। जो भी कोई भाई बहन देख लेते हैं उनकी परख शक्ति बहुत तीव्र है। जैसे ही उनको किसी के बारे में आभास होता है उसी वक़्त के उसके लिए पूरे दृढ़ हो जाते हैं और उसमें बाबा की मत पर चलने वाले बच्चों का ही साथ और हाथ देते हैं। तो ये उस दीदी के अंदर जो बड़ी दीदी की परख शक्ति थी, वही परख शक्ति सेम उस पर हमारी सरस दीदी चल भी रही है और अपने जीवन को चला भी रही है। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि बाबा ने उनको बचपन से चुना है और उनके जो भी उनकी नियम मर्यादाएं हैं उस पर पूरी तरह से समर्पित दीदी है। और इनका जो यहाँ लुधियाना के लिए बहुत बड़ा रोल है और इस रोल मॉडल में ये अपना पूरा जीवन और जो कर्म है उससे ये प्रत्यक्ष बाबा को करेंगे। यही इस दीदी का और संस्था का जो लक्ष्य है उसके ऊपर 100% समर्पित हमारी दीदी है। ओम शांति शांति शांति।